अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एच पी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक अली। हम पहुंचाएंगे आप तक आवाम की आवाज़। हर बार होगी एक नई खबर, क्योंकि हम रखते हैं हर न्यूज़ पर नज़र। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच पी न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। दावत इफ्तार इखरा बेस में सी टी ए की जानिब से, जो अपनी 25 साल मुकम्मल होने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, 31 मार्च 2024 20 रमज़ान को पालकी गार्डन फंक्शन हॉल कोका बाज़ार हुसैनी आलम लेडीज़ के लिए इज्तिमा का इंतज़ाम, जिसकी टॉपिक कुरान की तालीम और मुसलमान औरतें। स्पीकर्स डॉक्टर अस्मा जहरा प्रेसिडेंट AIWAN, मेंबर्स टू ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैडम तहनीत अत्थर, मेंबर टू ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज़ेरे सरपरस्ती मिसेस सोबिया फातिमा डायरेक्टर इखरा बिस्मिस CTI, इनवाइट शेख अब्दुल खुद्दूस साहब एंड हाफिज शेख अब्दुल शुक्र। देखिए इसके कुछ मनाजिर। इसी तरह की मजीद खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल HP न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। मोहतरमा डॉक्टर अस्मा जहरा साहिबा प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन व मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मोहतरमा तहनीत अत्थर साहिबा रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व मोहतरमा सूबिया फातिमा साहिबा डायरेक्टर इखरा बिस्मिस CTI हुसैनियों से इस्तकबाल करती हूँ, और आप तमाम को अदब से रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं अब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، صدق الله العظيم وصدق مولانا رسوله الكريم، الحمد لله، ہمارا ادارہ इकरा बिस्मी CTI जो 1999 में इसकी बुनियाद हुई, मेरे भाई शेख अब्दुल खुद्दूस और मेरे दोस्त शेख हबीबुद्दीन और मैं बजात खुद हम लोगों ने इस इदारे को कायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा है और हमारी कौम वो मिल्लत में तालीमी आबियारी का जरिया बना हुआ है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस इदारे की तरक्की व तरवीज के लिए दुआ फरमाए। दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी इंतजाम रखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इदारे के 25 साल मुकम्मिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये साल 2024 में 25 बैच अब तक मुकम्मिल कर चुके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये किराए के मकान से शुरू हुआ था इदारा, अब हमारे खुद की जमीन पे बना हुआ इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी ट्रस्ट के, बगैर किसी इमदाद के या बगैर किसी की मदद के अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करम है कि ये इदारा अपनी जानिब अपने मकसद के लिए काम कर रहा है, ताकि अपने बच्चों में असरी तालीम के साथ साथ दीनी मिजाज भी तामीर हो सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये इदारे के लिए और ये इदारे के जिम्मेदारान के लिए कि उनके दिलों में खुलूस रहे, उनके उनकी जो है सेहतों को अल्लाह ताला सेहतियाबी से अता फरमाए और उनके काम में खुलूस पैदा करे। फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि रमजान के बरकात और रमजान के फिजात में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे इदारे के लिए हमारे इंस्टीट्यूट की तरक्की व तरवीज के लिए दुआ फरमाए। व आखिरु दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऊपर देगी मैं।
एक ही हल है
और इसकी अहमियत क्या है, इसमें हमको न सिर्फ तौबा करके माफी मांगना है। मेरी प्यारी बहनों, हम जब से बड़े हो गए बचपन से शुरू करना अक्ल आई समझ आई, हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम अल्लाह की नाराजगी के हम सर होते अपने गुनाहों को याद करके तौबा करके अल्लाह से माफी मांगे और पहली दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ना या करीम। अल्लाह ताला माफी को पसंद करता है, माफी वाला है, तुझे अल्लाह ताला बताते हैं तहज्जुद के वक्त रात में अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर यानी बिल्कुल अपने मजमून से करीब आ जाते हैं और कहते हैं उन्हीं को दावत कर दाई ज़ादानी पन्नी करीब, मेरे बंदों से कह लो कि पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, जवाब देता हूँ, लिहाजा उनको चाहिए कि वो मुझे पुकारे। आप और हम रोजमर्रा रह रही नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत का इंतजाम है, सब पारे खत्म कर रहे होंगे घर में, है ना, कंपटीशन में टेस्ट टेस्ट जल्दी जल्दी, बहन के कितने पारे हुए, हमारा पारा देवरानी छठानी ननन दादा पूछ ले रहे होंगे कि आप 22 पारे में, मैं 23 पारे में हूँ। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज जिसको आपको हमको नहीं छोड़ना है वो है दुआ और दुआ की ताकत। ये बंदा जब अल्लाह से मंजूर होता है, अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह के सामने जब बंदियां तौबा करती हैं, आंसुओं से रोती हैं, अल्लाह को राजी करने की फिक्र करती हैं, अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को धो देते हैं, माफ फरमा देते हैं, उनकी मगफिरत का ऐलान कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इस मुबारक महीने में आपको हमको अपनी मगफिरत तलब करना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है। अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा, हम अल्लाह के यहाँ नुमाइंदे हैं, एम्बेसडर हैं, हम यहाँ पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला ने जब दुनिया में हमको भेजा, हमारे साथ कुरान और हिदायत ताकि हमको हमारे साथ नबी भेजे, रसूल भेजे, पैगंबर आए और वो हमको बताए कि जन्नत का रास्ता कौन सा है, क्या करें ताकि हम जन्नत में दाखिल हो सके। अल्लाह ताला से हम दुआएं मांगते हैं, सूरह फातिहा में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता दिखा के पढ़िए तो आपकी शख्सियत पुरानी शख्सियत होगी। आखिर में ये कहेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कैसे थे अल्लाह के रसूल, जवाब में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है आपने कुरान नहीं पढ़ा प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान में। देखिए आपके मेरे पास 30 पारों वाला किताब कुरान मौजूद, आपके मेरे पास प्यारे रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अहदीस मौजूद हैं, ये हमारे लिए रोशनी है, ये बल्ब है, ये लाइट है, ये नूर है, इससे हम रास्ता तलाश करते हुए जन्नत हासिल कर सकते हैं। क्या हम सब जन्नत चाहते हैं या नहीं चाहते बताइए, सब लोग बात सुन रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए, जन्नत सबको चाहिए, बच्चों को भी जन्नत में जाना है, छोटे छोटे बच्चे भी जन्नत में जाना चाहते हैं जी, तो जन्नत में जाने के लिए आप एक हदीस सुन के रोजे दार के लिए रसूल अल्लाह सल्लम ने फरमाया दो खुशियां हैं रोजे दार के लिए, एक खुशी उस वक्त हासिल होगी जब रोजा खोलता है, रोजा खोलते हुए तो बहुत खुशी होती नहीं, सुबह से भूख के प्यासे एक गिलास पानी भी बहुत अच्छा दिखता, कितना नहीं दिखता बताइए। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसको उस वक्त हासिल होगी जब वो रोजा खोलेगा, और जो बंदा रोजा रहता है वो अपने अंदर इतनी अल्लाह की फरमाबरदारी ला लेता है कि उसकी पूरी जिंदगी भी रोजे की तरह होती है, गुनाहों से बचते हुए अल्लाह की रजा के मुताबिक। तो रोजेदार की दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा,
उम्र में मेहनत 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 करके इंतकाल के बाद मैदान हश्र में अल्लाह के सामने ठहरे और अल्लाह ताला बोले तुम अमल जो करके आए उससे मैं खुश, एवं जन्नत में चले जाओ तो बोलो क्या खुशी होगी। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं मेरी प्यारी बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, रोजेदारों को बाबे रैयान VIP दरवाजे से दाखिल कर दिया जाए। सोचिए आप आपकी कैसी मेहमानी, कैसा इस्तकबाल होगा। ये रोजे की तरबियत सिर्फ रमजान के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारना है, कुरान के अहकाम को मानना है और अपने आप को अल्लाह के फरमाबरदार बनाए रखना है। बस आपको और हमको अपने अंदर से तकब्बुर, अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, अपनी पसंद सब निकाल के फेंक दीजिए। दिल में इरादा करके यहाँ से जाइए। शरीयत का जो हुक्म, मेरे रसूलुल्लाह का जो फरमान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ने जो कुरान में शरीयत दे दी वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन अहमियत की। ये इरादा कर लेंगे, बेजा रसूमात खत्म हो जाएंगे, बेपर्दगी खत्म हो जाएगी, शादी बिया में लेन देन जहेज क्या कुछ हमारे पास शब समाज और माशरे में नहीं है, पूरा समाज ठीक हो जाएगा, हमारे दिल दिमाग ठीक हो जाएंगे, हम अपने मसाइल मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको पलटने वाले, तौबा करने वाले, माफी मांगने वाले और अल्लाह को राजी करने वाले बना दे। इंशाअल्लाह अज़ीज हम सब मिलके कोशिश करेंगे, सारे मुसलमान आपस में मुतहिद होकर, तो जरूर अल्लाह हमसे राजी होगा, अपनी रहमतें हम पर, बरकतें हम पर नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। हम लोग हर महल्ले में इस मुस्लिम काउंसिल की जानिब से ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी रख रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन और बच्चियां जुड़े, दीन सीखे, इस्लाम सीखे। और माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देती हूँ यहाँ पर इखरा इस्मी इंस्टीट्यूट की जानिब से भी एक एहतमाम किया गया इफ्तार पार्टी का और आप सबको यहाँ पर जहमत दी गई, इफ्तार का इंतजाम किया गया। ये सिर्फ इस वजह से है कि हम एक दूसरे से दीन सीखें और सिखाएं। इंशाल्लाह आप सबका ताउन रहा रमजान के बाद गर्मा की छुट्टियों में भी अपनी बच्चियों के साथ अगर हम दीन इस्लाम तारुफ इस्लाम क्लासेस लेंगे तो जरूर हमारी बेटियां भी माँ आयशा की तरह और सहाबियात के नक्श कदम पर आगे बढ़ेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज। आपको और हमको अपनी औलाद की फिक्र करना है और उसके लिए सबको मेहनत करना है, तो इरादा कर लीजिए, नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेगा। आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप लोग सब उसमें जरूर शिरकत करें। मशहूर हूँ जिम्मेदारों की कि मुझे मुखातिब का मौका मिला और इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों के मसाइल मुश्किलात को हल फरमा दे। फलस्तीन में गजा में जिस तरह जुल्म सितम और बेदर्दी से मासूमों की जाने ली जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे और उनको यहूदियों के कब्जे से रिहाई नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला उनको आजादी नसीब फरमा दे, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जनाब शेख अब्दुल कुद्दूस व मेरे वालिद हाफिज वकारी शेख अब्दुल शुकूर, इन दोनों के दरमियान हमेशा बहमी मोहब्बत कायम रहे ताकि ये जो तालीमी कारवां है हमेशा रवा दवा रहे और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये दोनों मुल्क व कौम के लिए तालीमी आबियारी फराहम करें, आमीन। और अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा सेहत से रखे। मोहतरमा सूर्या फातिमा साहिबा डायरेक्टर खराब इसमें सीरियल हुसैनी आलम से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और तहनीत पेश करें। दो जनों का है विदाल
الحمد لله الحمد لله.